टॉप थ्री बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 16,000। तो यार आज इसी टॉपिक की बात करेंगे, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करते हैं। लेकिन नंबर फाइव की बात करने से पहले यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई स्मार्टफोन्स मैं आपको नहीं बताता लेकिन सभी के बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाते, तो उस चीज़ को आप चेकआउट कर लिया करो। प्लस भी मैं वीडियोज़ के एंड में कंक्लूजन बताता हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, बिग बैटरी किसकी है, अच्छा डिज़ाइन किसका है, या गेमिंग प्रोसेसर आपको किस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, वो सब कुछ आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलता है। तो इसको मिस आउट मत किया करो, बिकॉज वो आपके ही बेनिफिट करेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर फाइव की बात करूं। नंबर फाइव पे यार मैंने रखा है पोको X3 को। तो यार सीधी सी बात है, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो पोको X3 आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आपका बजट थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है तो पोको X3 प्रो की ओर आप जा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिज़ाइन लुक वगैरह आपको पसंद आने वाला है। पोको भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से आता है, एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए बेस्ट है फॉर गेमिंग के लिए। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूं पोको X3 के मेन स्पेसिफिकेशन की, तो आपको सितंबर 2020 मॉडल देखने को मिल जाता है 6.67 इंच के साथ। आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि 120 रिफ्रेश के साथ देखने को मिलती है। प्लस आपको ग्रीला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। प्लस डस्ट प्रूफ आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, मतलब आपको IP53 रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आपके लिए बेस्ट डील होने वाला पोको X3। 3 ग्रिड में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल के साथ, जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। 20 मेगापिक्सल के साथ सेल्फी मिल जाती है। 6000mAh की बैटरी मिल जाती है। 33W का फास्ट चार्जर, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। 2 कलर्स में देखने को मिलता है। दोनों कलर इस स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। जो आपको पसंद आता है आप उस कलर्स की ओर जा सकते हो। अभी बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन किन लोगों को लेना चाहिए। भाई अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, या बिग बैटरी चाहिए, आप सभी के लिए बेस्ट डील होने वाला है पोको X3। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अभी आगे बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पे यार मैंने रखा है सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन। मैं बात करूँ सैमसंग गलेक्सी M31S की। तो भाई अगर आपको एक प्रीमियम टच चाहिए, एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। तो सैमसंग भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन है, आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। बाइंग लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने सैमसंग की ओर ही जाना है, इस प्राइस रेंज में आपको 2 फोन देखने को मिलते हैं, सैमसंग गलेक्सी M31S एंड आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग गलेक्सी F41। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपके लिए बेस्ट डील होने वाला है सैमसंग गलेक्सी M31S। अगर आपको डिजाइन कलर वगैरह मैटर करते हैं, जब प्रीमियम टच चाहिए, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। हाथ में पकड़ोगे, कहीं लेकर जाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा सूट करने वाला है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं भी अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, या फिर अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए, मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, आप सभी के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील होने वाला है। आप जा सकते हो सैमसंग गलेक्सी M31S। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया सैमसंग गलेक्सी M31S के। प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये स्मार्टफोन किन लोगों के लिए परफेक्ट है। तो भाई अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, मतलब अगर आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, अगर आपको बिग बैटरी चाहिए, उसके बाद भाई अगर आपको लाइक 4K में शूट करना है, बैक कैमरे में, फ्रंट कैमरे में, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है। लेकिन गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज आपको एक्सनॉक्स 9611 देखने को मिल जाता है। इसमें प्रोसेसर चिपसेट जो है तो वो इतना तगड़ा नहीं है, गेमिंग मल्टीटास्किंग के लिए बेस्ट नहीं है, लेकिन कैमरे के अकॉर्डिंग, बैटरी के अकॉर्डिंग, या डिस्प्ले के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट जरूर करना। बाइंग लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो चेकआउट करना। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है मोटो G14 फ्यूजन को। तो भाई अगर आप मोटो लवर हो, अगर आपको स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, 4K में वीडियो शूट करना है, आपके लिए ये जो स्मार्टफोन है वो भी सच में परफेक्ट डील होने वाला है। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूं, आपको अप्रैल 2021 मॉडल देखने को मिल जाता है। 6.8 इंच के साथ आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि 120 रिफ्रेश के साथ देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो अगर आपने हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, आप इस स्मार्टफोन पे कर सकते हो। 2 वेंड में स्मार्टफोन देखने को मिलता है, 4GB रैम के साथ, 6GB रैम के साथ। आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के साथ, 4K वीडियो शूट कर सकते हो। 30fps पर 16 मेगापिक्सल के साथ आपको सेल्फी मिल जाती है, सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 20W की, 2 कलर्स में देखने को मिलता है। माइनस पॉइंट सिर्फ ये देखने को मिलता है कि आपको प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलेगा,
तो आपको केस डालकर ही यूज़ करना पड़ेगा, लाइक स्क्रैच वगैरह आने के डर रहते हैं और कोई भी रीज़न नहीं है। तो फ़ोन ये भी आपको पूरा लोडेड मिल जाता है। अगर आपने मोटो की ओर जाना है, मोटो लवरो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है, मोटो जी फॉर इन्फ्यूज़न आप जा सकते हो। अगर आपको कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी है, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, या अगर आपको डिज़ाइन चाहिए लाइक स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, कलर वगैरह आपको बहुत पसंद आने वाले। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया था एक बार आप चेकआउट जरूर करना, बाइक लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ यार मैंने रखा है रियलमी 8 को या रियलमी 8 5G को, दोनों में से जो आपको पसंद आता है आप उस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ रियलमी 8 की, उसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ रियलमी 8 5G की, उसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है जो कि 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ रियलमी 8 के चिपसेट की, उसमें आपको MediaTek Helio G95 देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ रियलमी 8 5G की, तो उसमें आपको MediaTek Dimensity 700 देखने को मिल जाता है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, ठीक है। कैमरा वगैरह दोनों का सही है, बैटरी लाइफ आपको 5000mAh की बैटरी दोनों में देखने को मिल जाती है। तो यार आपको चिपसेट में फ़र्क देखने को मिल जाता है एंड आपको लाइक डिस्प्ले में फ़र्क देखने को मिल जाता है, तो ये इनका कंपैरिजन हो जाता है। ज़्यादातर आपको ज़्यादा जो स्पेसिफिकेशन है सेम ही देखने को मिलता है, डिज़ाइन लुक वगैरह भी ज़्यादातर आपको सेम ही देखने को मिलता है। तो भाई आप देख लेना, अगर आपने रियलमी 8 की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने रियलमी 8 5G की ओर जाना है, फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो भाई आप ले सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। अगर आप रियलमी लवर हो आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आपका बजट 14,000 है, 15,000 है, 16,000 है, आप इस प्राइस रेंज में आप इन स्मार्टफोन्स की ओर जा सकते हो। तो यार इसका भी बाइक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने चेकआउट करने हैं ये स्मार्टफोन, चेकआउट कर सकते हो, खुद देखना चाहते हो, स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो जो कि सही भी होते हैं, पढ़ने भी चाहिए, तो आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर वन पर यार ऑब्वियसली मैंने रखा है Redmi Note 10 Pro को। तो यार सबसे ज़्यादा बिक रहा है, अगर मैं कस्टमर रिव्यूज़ की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में 15 से 16,000 के प्राइस रेंज में Redmi Note 10 हो गया या Redmi Note 10 Pro हो गया, ये स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आपने भी इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले ये मार्च 2021 मॉडल आपको देखने को मिल जाता है। आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी सच में बहुत ही ज़्यादा सही है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5Q प्रोडेशन के साथ देखने को मिलेगी। अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा सही होगा। आपको IP53 डस्ट प्रूफ रेटिंग देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बातों को एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है जो कि लेटेस्ट है। प्रोसेसर की बातों को स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। हाई सेटिंग पे गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, आप इजिली नॉर्मली कर सकते हो। 3 वीड में स्मार्टफोन आता है, 108 मेगापिक्सल के साथ आपको कैमरा मिल जाता है जो कि क्वाड कैमरा है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। 30fps पर आपको सेल्फी मिल जाती है 16 मेगापिक्सल के साथ। 5020mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है 33W की, 3 कलर्स में देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है Redmi Note 10 Pro में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 Pro की। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। मैंने पहले भी आपको रिपीट कर दिया, अगर आपने गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, कैमरे के अकॉर्डिंग चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, उसके बाद अगर आपको स्टाइलिश डिज़ाइन चाहिए, आप सभी कैटेगरीज के बंदों के लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 5 बता दिए, हर एक ब्रांड्स के अकॉर्डिंग बता दिया, पोको का भी बता दिया, मोटो का भी बता दिया, सैमसंग भी बता दिया, रियलमी भी बता दिया, रेडमी भी बता दिया। इनमें से जो भी आप लेना चाहते हो या जो भी ब्रांड आपको पसंद आता, आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता, आप उसके ओर जा सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे गले फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। एंड यार अगर मैंने कोई चीज़ मिस आउट करती होगी तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूँ, हो जाता है वीडियोस करते करते एक दो बंदा चीज़ मिस आउट कर देता है, तो उसके लिए सॉरी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।